दोस्तों आप सभी ने रियल जूस की ऐड तो जरूर देखी होगी जिसमें एक माँ अपने बेटे को लंच बॉक्स के साथ एक रियल जूस का डब्बा देती है और बताती है कि आपके बच्चे को एक फलों की टोकरी जितना पोषण देता है, यानी उनके डेली फ्रूट रिक्वायरमेंट से दो गुना। लेकिन बात आती है, क्या सच में ये हमारी डेली फ्रूट रिक्वायरमेंट से हमें दो गुना अधिक पोषण देता है? तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के समय में ज्यादातर लोग फल खाने की बजाय फलों का जूस पीना पसंद करते हैं और उनमें से भी सिर्फ कुछ ही परसेंट लोग घर पर ताजे फलों का रस निकाल कर पीते हैं, बाकी तो मार्केट में मिलने वाले पैक जूस को ही पीते हैं और सोचते हैं कि यह ताजे फलों के रस जितना ही हेल्दी है। और लोग सोचे भी क्यों ना, क्योंकि इन पैक्ड जूस की मार्केटिंग ही कुछ इस तरह से की जाती है कि लोग इन्हें खरीदते समय इनके इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन देखना भूल ही जाते हैं। अगर आप रियल जूस के डब्बे के फ्रंट लेवल को देखते हैं तो उस पर बड़े बड़े वर्ड्स लिखा होता है रियल फ्रूट पावर। और सिर्फ इस पर ही नहीं, मार्केट में मिलने वाला आप कोई भी पैक जूस उठा लो, इस तरह के अट्रैक्टिव वर्ड्स आपको जरूर लिखे मिलेंगे जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो आइए देखते हैं रियल जूस के इंग्रेडिएंट्स और पता लगाते हैं कि इसमें कितने परसेंट रियल फ्रूट्स डाले गए हैं। मार्केट में आपको रियल जूस के लगभग सभी तरह के फ्रूट जूस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर लिया है रियल मिक्स फ्रूट जूस। अगर इसके मिक्स फ्रूट जूस की बात करें तो इसका पहला ही इंग्रेडिएंट है वाटर। इसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड मिक्स फ्रूट जूस जो कि है सिर्फ 12%, और इसमें डाले गए फल हैं एप्पल, ऑरेंज, गवावा, एपिकॉट, मैंगो, बनाना, लाइम, पैशन फ्रूट और पाइनएप्पल। इसके अलावा इसमें डाली गई है शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर्स, एंटीऑक्सीडेंट, स्टेबलाइजर, नेचुरल फ्लेवर्स एंड कलर्स। इस फलों के रस से भरे हुए रियल जूस के डिब्बे में सिर्फ 12% ही फलों का रस है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ 12% फलों का रस आपके बच्चे की दोगुना फलों की आवश्यकता को पूरा कर सकता है? और यह 12% फलों का रस भी रियल जूस नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड जूस है। अगर आप नहीं जानते कि कॉन्सेंट्रेटेड जूस क्या है, तो इसे बनाने के लिए फलों के रस को कई सारी प्रोसेस से गुजारा जाता है और जिसके कारण फलों के रस में मौजूद लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। यानी फलों के रस को उबालकर एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है जिसे कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। और अब इसमें वाटर के साथ शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर्स, एंटीऑक्सीडेंट, स्टेबलाइजर, नेचुरल फ्लेवर्स एंड कलर्स मिलाए जाते हैं और जिसे कंपनी रियल जूस का नाम देती है। सबसे बड़े दुख की बात है कि लोग सच में इसे रियल जूस समझ बैठते हैं। रियल जूस में डाले गए एसिडिटी रेगुलेटर, एंटीऑक्सीडेंट, स्टेबलाइजर, नेचुरल फ्लेवर एंड कलर्स जूस के टेस्ट और टेक्सचर को अच्छा बनाने के लिए डाले जाते हैं। साथ ही यह जूस को लंबे समय तक सेफ रखते हैं, लेकिन ये सभी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं अगर बात करें इसके न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन की, तो 100 ml रियल जूस से आपको मिलती है टोटल एनर्जी 53 kcal, 0.2 ग्राम प्रोटीन, 13.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 13.4 ग्राम शुगर और 7.4 ग्राम एडिड शुगर। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर से आते हैं और उसमें से भी 7.4 ग्राम एडिड शुगर से आते हैं। कंपनी ने इसका एक सर्विंग साइज 150 ml लिखा है, लेकिन कोई भी इंसान एक बार में एक गिलास जूस आराम से पी जाता है और एक गिलास जूस में लगभग 200 ml जूस आराम से आ जाता है। और रियल जूस का एक छोटा डिब्बा भी 200 ml का ही होता है, आई एम सॉरी, जिसे आप एक बार में ही पी जाते हैं। यानी 200 ml रियल जूस से आपको मिलती है एडिड शुगर 16 ग्राम यानी लगभग 4 चम्मच चीनी, जो कि एक सर्विंग के हिसाब से काफी ज्यादा है। रियल फ्रूट पावर के नाम पर आपको रियल जूस के एक छोटे डिब्बे में 4 चम्मच चीनी देखने को मिलती है। अगर डेली रिकमेंडेड इनटेक ऑफ शुगर की बात करें तो एक छोटे बच्चे के लिए है लगभग 20 ग्राम और वहीं अडल्ट्स के लिए लगभग 30 ग्राम है। और यह डेली इनटेक ऑफ शुगर आपके खाने से ही पूरी हो जाती है, आपको बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा शुगर लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब आप इस तरह का खाना या जूस पीते हैं जिसमें एक्स्ट्रा शुगर डाली गई है, तो यहाँ पर आप शुगर की ओवरडोज ले रहे हैं और जिससे आपको कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, जैसे हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, स्किन एलर्जी, इनफेक्ट आपको कैंसर तक हो सकता है। रियल जूस के न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन में बाकी डाले गए सभी न्यूट्रिएंट्स सिर्फ टैगलाइंस को हैप्पी और हेल्दी बनाने के लिए दिखाई गई हैं। दोस्तों ऐसे पैक जूस के बजाय आप घर पर ताजे फल खाएं या घर पर ही ताजे फलों का रस निकालें और तब पिएं। घर पर निकाला हुआ फलों का रस ही असली रियल जूस है। नाम रियल होने से प्रोडक्ट भी रियल हो ऐसा जरूरी नहीं। अगर आप ध्यान दें तो लगभग सभी फूड ब्रांड आपके डेली कंजप्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक आपको मार्केट में तमाम तरह के पैक्ड फूड देखने को मिल जाएंगे, यानी ज्यादा कंजप्शन तो ज्यादा प्रॉफिट।
दोस्तों फूड कंपनियां आजकल किसी भी हद तक चली जाती हैं बस ये दिखाने के लिए कि जो प्रोडक्ट बेच रही हैं वो बिल्कुल हेल्दी है। और लोग भी फूड प्रोडक्ट खरीदते समय ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि फूड कंपनियां अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरीके से करती हैं कि लोग प्रोडक्ट खरीदते समय इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन देखना भूल ही जाते हैं, तभी तो इन कंपनियों की मार्केट स्ट्रेटजी इतनी अच्छी होती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कंपनियों को पूरी आजादी होती है कि वो कुछ भी कह सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट या प्रोडक्ट के फ्रंट लेवल पर, लेकिन एक जागरूक ग्राहक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसमें डाले गए इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन को जरूर चेक करें और एक बात का जरूर ध्यान रखें कि मेक श्योर आप जो कुछ भी खाते हैं उससे आपके हेल्थ को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि हेल्थ इज वेल्थ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आप किसी टॉपिक पर कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।